तो होली के इस खुशनुमा माहौल के बीच हम पहुंच चुके थे होलिका दहन समारोह में, और इतना बड़ा होलिका दहन हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। इस आग के पहाड़ में 24 घंटे बाद तक जलते हुए कोयले बचे थे। उसके बाद मैं अपने मित्र की दुकान में केवल आइसक्रीम लेने गया था और उन्होंने मौका देखकर मुझे चलता फिरता भांग का पेड़ बना दिया। अगले दिन था सौरभ के घर में होली समारोह, जहां सारे परिवार के सदस्यों ने मिलकर घमासान नृत्य किया। फिर हम गए शांति भरे स्पॉट पे जो कि एक पुल के नीचे है और साथ में ही झरना भी बहता है, और वहां जाकर हमने लुत्फ उठाया मैगी का। फिर उसके बाद होली समारोह था हमारे घर में, और हमारी महिला वर्ग को देखो, इनका होली का ड्रेस कोड कितना शानदार है। बाहर महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था तो अंदर पुरुषों का, क्योंकि पुरुषों की प्राथमिकताएं थोड़ी सी अलग है। और जहां पूरा देश 18 मार्च को होली मना रहा था, वहां हमारे उत्तराखंड में 19 मार्च को होली थी। दैट इज जस्ट मोर होली फॉर अस। अगले दिन की शुरुआत करते हुए हमने लाल पीला होकर शहर के कुछ चक्कर लगाए, और हमारा शहर जब हमारे एडवेंचर के लिए कम पड़ गया तो हम बिना सोचे समझे सीधे पहाड़ चढ़ गए। हम वहां गए तो थे थोड़ा वन्य जीव दर्शन के लिए, लेकिन हमारे हालातों को देखकर सारे जानवर भी भाग गए। तो इस साल की शानदार होली की समाप्ति हम करते हैं तक गुड ओल्ड गन्ने के जूस से। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो होली